नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है रवि और आप सभी का अपना YouTube चैनल रवि टेक्नोलॉजी फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं और दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप जहां भी होंगे बहुत ही अच्छे होंगे दोस्तों बिहार सरकार की तरफ से बहुत ही अच्छी अपडेट निकल के आई है दोस्तों मैं बता दूं कि यहां पे दस हजार पदों पर यहाँ पे, पे वैकेंसी बहुत जल्द ही यहाँ पे करवाई जाएगी दोस्तों इसका नोटिफिकेशन यहाँ पे रिलीज कर दिया गया है जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों की ये जो है पंचायती राज विभाग की तरफ से यहाँ पे पंचायत सचिव के पद पर वैकेंसी दोस्तों कराई जाएगी दोस्तों मैं बता दूँ कि पंचायत सचिव का जो वैकेंसी है बहुत दिन से यहाँ पे जो नील था क्योंकि ये दो में दोस्तों वैकेंसी करवाई गई थी उसके बाद से आज तक इसका वैकेंसी नहीं करवाया गया था फिर उसके बाद दो में यहाँ पर नोटिफिकेशन यहाँ पर रिलीज कर दिया गया है पंचायत सचिव का और दोस्तों इसमें राजस्व कर्मचारी का भी यहाँ पर वैकेंसी यहाँ पर करवाई जाएगी तो पूरी डिटेल हम इसमें बताएंगे दोस्तों की क्या योग्यता रखा गया है क्या है यहाँ पर क्वालिफिकेशन होगा कितना सैलरी आपको दिया जाएगा तो पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में बताऊंगा फिलहाल आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है तो इस तरीके से दोस्तों चलिए हम आपको लाइव ले चलते हैं नोटिफिकेशन की ओर कैसा क्या नोटिफिकेशन निकाला गया है तो दोस्तों नोटिफिकेशन के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं हिंदुस्तान का आर्टिकल यहाँ पे देख सकते हैं न्यूज़पेपर है यहाँ पे देख सकते हैं चौदह अगस्त पटना एडिशन में निकाला गया है तो उसके बाद यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट में यहाँ पर देख सकते हैं बताया जा रहा है कि दस हज़ारों पदों पर यहाँ पर दोस्तों अस्थायी बहाली होगी यानी ये जो है मंजूरी इसका मिल गया है और बिहार सरकार की तरफ से यानी दस पदों पर दोस्तों इसका जल्द ही अस्थायी बहाली यहाँ पर करवाई जाएगी और यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं विभिन्न पद को मिलाकर यहाँ पर दस हज़ार यहाँ रखा गया है तो बहुत इसका सारा जो है बहाली यहाँ पर करवाया जाएगा तो चलिए दोस्तों इसके बारे में हम डिटेल में बताते हैं क्या क्या इस में यहाँ पर निकाला गया है तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि डॉक्टर सहित कई अन्य पदों पर नियुक्ति जल्द दस हज़ार पदों पर स्थाई बहाली होगी यानी दोस्तों ये जो है स्थाई बहाली करवाई जाएगी दस हज़ार पदों पर इसका जो है जल्द ही बहाली यहाँ पे करवाया जाएगा इसमें देख सकते हैं पटना एडिशन निकाला गया है बताया जा रहा है कि बिहार में जल्द दस से अधिक पदों पर बहाली होगी ये सभी नियुक्तियाँ अस्थायी प्रकृति की होगी राज्य सरकार को विभिन्न विभागों में रिक्त पदों पर नियुक्ति को लेकर विभागीय प्रस्ताव का सामान्य प्रशासन विभाग से अपनी मंजूरी दे दी है और सामान्य प्रशासन विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि इन सभी पदों पर नियुक्ति के लिए संबंधित आयोग को भेजा जाएगा और नियुक्ति की प्रक्रिया बहुत जल्द शुरू होगी तो यानी यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि टोटल दस हज़ार पदों पे दोस्तों ये वैकेंसी करवाई जाएगी इसमें विभिन्न पद भी यहाँ पे रखा गया है अगर पद की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं इन पदों पर होगी नियुक्ति यहाँ पर पद का भी नाम यहाँ पर गया है रिक्ति भी दिया गया सबसे पहले पंचायत सचिव का पद है तो यहाँ पर देख सकते हैं पैंतीस सौ बत्तीस यहाँ पर पंचायत सचिव का पद रखा गया है दोस्तों पंचायत सचिव का जो वैकेंसी है बहुत दिन पहले कराया गया था उस अभी तक दोस्तों इसका दोबारा जो है वैकेंसी नहीं करवाया गया उसके बाद दो हजार तेईस में इसका नोटिफिकेशन अब यहाँ पर रिलीज किया गया फिर उसके बाद राजस्व कर्मचारी के यहाँ पर पैंतीस सौ पदों पे यहाँ पे करवाई जा रही है फिर यहाँ पे सहायक प्रधानाध्यापक प्राध्यापक है यहाँ पे देख सकते हैं विशेषज्ञ चिकित्सक का भी, भी। यहाँ पे तेरह सौ अठारह है विशेषज्ञ चिकित्सक का है तो इस तरीके से दोस्तों टोटल यहाँ पे दस हज़ार पदों पर यहाँ पर करवाई जाएगी और इसमें हम अगर जो आयोग की अगर बात करें तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं बी कर्मचारी चयन आयोग से यहाँ पर सभी का यहाँ पर नियुक्तियाँ लिया जाएगा तो इस तरीके से दोस्तों बहुत ही अच्छी पहल है बिहार की युवाओं के लिए कि बहुत ही अच्छा स्वागत मिला है दस हज़ार पदों पर वैकेंसी करवाई जाएगी और इसमें दोस्तों देख सकते हैं कि आठ हज़ार आठ सौ बत्तीस पदों पर की गई मंजूरी और यहाँ पे दो हज़ार पदों का हरी झंडी जल्द तो इस तरीके से आठ दो दस हज़ार मतलब दस हज़ार के आसपास फहाली करवाई जाएगी तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी है दोस्तों पंचायत सचिव कर्मचारी राजस्व कर्मचारी की आने वाली है और अब इसके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे थोड़ा सा इसके सैलरी के बारे में और योग्यता यु, यु, के बारे में क्या कुछ है तो अगर हम सैलरी की बात करें तो बाउंस चले लेकर यहाँ पे बीस तक सैलरी है और इसमें पे जो ग्रेड होता है यहाँ पे देख सकते ग्रेड पे यहाँ पे दो हज़ार रुपये आपको दिया जाएगा इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो इंटर यहाँ पे क्वालिफिकेशन मांगे जा रहे हैं और इसमें क्वालिफिकेशन के साथ साथ कंप्यूटर पर टंकन तथा एम ऑफिस का ज्ञान यहाँ पे होना चाहिए दोस्तों बता दो टंकन यानी टाइपिंग इंग्लिश में मांगा जाएगा इंग्लिश में थर्टी फाइव यहाँ पे मांगा जाएगा आपसे और हिंदी का टाइपिंग यहाँ पर टंकन मांगा जाएगा थर्टी प्लस यानी इतना आपको टाइपिंग आना चाहिए तभी इसमें आप क्वालिफाई हो पाएंगे एलिजिबल हो पाएंगे फिर उसके बाद हम अगला पद की अगर बात करें राजस्व कर्मचारी की तो यहाँ पे देख सकते हैं राजस्व कर्मचारी का भी पद रखा गया है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में यहाँ पे इसका भी अगर सैलरी की अगर बात करें तो बावन सौ से लेकर यहाँ पे बीस हज़ार दोस्तों यहाँ पर सैलरी है और दोस्तों इसमें उन्नीस सौ पे थी ग्रेड है ग्रेड पे यहाँ पर देख सकते हैं उसमें दो हज़ार था इसमें उन्नीस सौ इसका क्वालिफिकेशन सिर्फ यहाँ पे इंटर मांगा गया है तो इस तरीके से इंटर कैंडिडेट वाले इस फॉर्म को आप अप्लाई कर पाएंगे अगर दोस्तों हम इसकी उम्र की अगर बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं न्यूनतम आयु यहाँ पर अठारह वर्ष यहाँ पर मांगा जाएगा ये दोस्तों जो नोटिफिकेशन मैं दिखा रहा हूँ ये दो की नोटिफिकेशन की है जिस समय ये वैकेंसी करवाई गई थी उसी का ओल्ड नोटिफिकेशन के बारे में मैं जिक्र कर रहा हूँ उसी के अकॉर्डिंग में बता रहा हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं ये योग्य उम्र की बात करें तो यहाँ पे न्यूनतम आयु यहाँ पे 18 वर्ष रखी जाएगी और अधिकतम जो है ना अनरक्षित पुरुष के लिए यहाँ पे सैंतीस वर्ष और पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पे 40 वर्ष रखा जाएगा और जो अनरक्षित महिला होती है उनको भी चालीस वर्ष और अनुसूचित जाति से बिलोंग करते हैं उनको बयालीस वर्ष क्योंकि इन सभी को लिए यहाँ पर छूट दिया जाता है तो यहाँ पर मिनिमम अठारह होगा और मैक्सिमम यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पर रखा जाएगा तो बहुत ही अच्छी अपडेट दोस्तों निकाला गया है बिहार सरकार की तरफ से अब देखना ये बाकी रह गया कि वैकेंसी कब तक बिहार सरकार करवाएगी क्योंकि बिहार सरकार एक ऐसी सरकार है जो कहती कुछ और हर करती कुछ और है तो इस तरीके से मेरा दोस्तों काम होता है हम लोग के लिए कि जो अपडेट है आता है वो देने के लिए तो इस तरीके से मैं अपडेट दे चुका हूँ तो फिलहाल इसी तरीके का अपडेट पाने के लिए और भी इस तरीके का ताजा तरीन अपडेट जानने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए और इसके लिए वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इस तरीके का अपडेट मैं लगातार लेकर आते रहता हूँ फिलहाल दोस्तों मिलते हैं कोई अगले टॉपिक अगले वीडियो में तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त जय हिंद